महोबा जिले के बेला ताल कस्बे में सारस के प्राकृतिक आवास संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह ने संरक्षण की मांग करते हुए केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा है। ज्ञात हो महोबा जिले के जैतपुर में लगभग 800 एकड़ में फैले बेला सागर तालाब में पिछले कुछ सालों से सारस पक्षी की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। जहां पहले 2-4 सारस देखने को मिलते थे, अब वहीं इनकी संख्या लगभग 16-17 के लगभग हो गई है, जिसे लेकर पशु पक्षी प्रेमियों में हर्ष की लहर है। महोबा जिले के जैतपुर के क्षेत्रवासियों ने राजकीय पक्षी सारस के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए मांग रखी थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह ने इस संबंध में वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी को पत्र लिखकर क्षेत्रवासियों की मांग को उन तक पहुंचाया। अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह ने बताया कि उनको मंदिर न्यास की तरफ से पत्र मिला था, जिसे लेकर उन्होंने कैबिनेट सचिव वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से मिलकर सारस पक्षी के संरक्षण की बात की थी। अब उन्होंने वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराते हुए राजकीय पक्षी को संरक्षण करने की मांग की है। जब मेरे समक्ष बुंदेलखंड के महोबा जिले की बेला सागर झील में सारसों के संरक्षण और संवर्धन का मामला आया, तो मैंने उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे देश के वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया और उन्होंने तत्काल ही उस पर कार्रवाई करते हुए मेरा पत्र को राज्य सरकार को प्रेषित किया, क्योंकि यह राज्य का मामला है और उन्होंने आश्वासन दिया इस पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि हमारे बुंदेलखंड में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अगर हमारी बेला सागर झील को सारसों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संरक्षित क्षेत्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार से घोषित किया जाता है, तो हमारे बुंदेलखंड का नाम विश्व पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में होगा और हमारे क्षेत्र में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुरोध करती हूँ इस पर यथासंभव कार्रवाई करके मदद मुहैया कराई जाए। धन्यवाद।